morning to all the students of class 5. Student of class 5, welcome to your SST class. So students, today in this class, we are continuing to our chapter 14, the world of growing knowledge. Okay, so chapter 14, the world of growing knowledge. इसके पहले भी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कैसे ग्रोथ हुआ, फिर राइटिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना, राइटिंग के बारे में, फिर पेपर के बारे में, फिर प्रिंटिंग के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। अभी जो नेक्स्ट है हमारा द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्रब फॉर द पीपल अनेबल टू सी। ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए पढ़ने लिखने की क्या व्यवस्था की गई है उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इन 1820 में लुईस बेराइल डेवलप्ड अ स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी। तो इन 1820 में लुईस बेराइल ने एक स्पेशल स्क्रिप्ट तैयार किया वैसे लोगों के लिए जो लोग देख नहीं सकते हैं। ओके, सो फिर से देखते हैं। 1820 में लुईस बेराइल ने एक स्क्रिप्ट तैयार किया, स्पेशल स्क्रिप्ट वैसे लोगों के लिए जो लोग देख नहीं सकते हैं। It is called Braille script और उसको Braille script कहा गया in his honor, इनके honor के उसमें, क्योंकि इन्होंने ही लुईस बेराइल ने उस script को तैयार किया था for people who cannot see, तो इसलिए उस script को उनके honor में, उनके सम्मान में Braille script भी कहा गया। The letter in this script are formed by real dot on thick paper. जो ये स्क्रिप्ट तैयार किया, जो थिक पेपर होता है, जैसे लाइक अ कार्डबोर्ड, और उसके अंदर से हम उसको डॉट डॉट उभार उभार के, डॉट डॉट बना बना के लेटर्स तैयार किए गए। जैसे ये कार्डबोर्ड है तो इसके ऊपर उभार उभार के लेटर तैयार किया गया, जैसे यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे ऊपर की तरफ उभार दे, ताकि ये ब्लाइंड पीपल जिसको टच करके ऐसे करके बता सके कि ये यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ऐसे डॉट 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 करके। ओके, सो उसमें लेटर को उभारा गया ताकि ब्लाइंड पीपल टच करके बता सके कि ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है या कौन सा लेटर लिखा हुआ है। पीपल हु कांट सी रीड द स्क्रिप्ट बाय रनिंग देयर फिंगर्स अलोंग द डॉट्स, और पीपल उसको पढ़ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये कार्डबोर्ड है और इसपे ऐसे उभार उभार के डॉट डॉट ऐसे लिख दें, ऐसे करके। तो जो पीपल है, जो ब्लाइंड पीपल है, वो ऐसे ऊपर से टच करेगा, अगर ये उभारा हो रहेगा तो टच करेगा, ऐसे करके टच करेगा, और फिर वो बता सकता है कि ये ए लिखा हुआ है। तो ये ब्लाइंड लोगों के लिए ब्राइल स्क्रिप्ट ने इस तरह के स्क्रिप्ट को तैयार किया ताकि वो भी पढ़ ले सके। ओके, द डिफरेंट पोजिशन ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट डिफरेंट लेटर। जो डिफरेंट पोजिशन है डॉट्स का, जैसे ये ए के लिए ये हो गया तो बी के लिए ये होगा, ऐसे करके बी के लिए होगा। तो ये जो डिफरेंट डॉट्स है वो डिफरेंट लेटर के पोजिशन को दिखाता है। ठीक है, तो ये हुआ। फिर से लोग ब्राइल स्क्रिप्ट को देख लेते हैं। इन 1820 में लुईस बेराइल ने इस स्क्रिप्ट को तैयार किया फॉर ब्लाइंड पीपल हु कैन नॉट सी। उसमें जो मोटा पेपर से लिखा हुआ होता है, मोटा पेपर को ऊपर से उभारा गया होता है, पर डॉट डॉट दिया होता है, ताकि वैसे लोग जो देख नहीं सकते हैं वो उसको टच करके रीड कर सके और वो भी एजुकेट हो सके। नेक्स्ट है हमारा लिटरेसी प्रोग्राम, साक्षरता अभियान। ओके, लिटरेसी प्रोग्राम ये कह रहा है कि लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। लिटरेसी क्या है, साक्षरता क्या है, कि हर आदमी साक्षर हो, हर आदमी साक्षर हो, हर एक को ये राइट है ज्ञान पाने का, उसको लिखना आना चाहिए, किसी चीज़ को पढ़ना आना चाहिए, ताकि कोई उसको बेवकूफ ना बना सके। ओके, सो लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, क्योंकि नेशन हमसे ही है, तो अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे तभी नेशन हमारा क्या होगा, आगे बढ़ेगा और अच्छे लेवल पे आगे बढ़ेगा। आगे कह रहे हैं, नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल ऑफ कंट्री रिमेन इलिटरेट। अगर हम सब अनपढ़ ही रह जाएंगे, इलिटरेट रह जाएंगे, हमें पढ़ना लिखना नहीं आएगा, तो कोई भी आगे बाहर से हमें बेवकूफ बना के चला जाएगा, क्योंकि हमें पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, हमें लिखना ही नहीं आएगा, कोई किसी चीज़ में भी हमसे साइन
करवा सकता है। तो क्या है यहाँ पे, नो प्रोग्रेस, कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है या तो हमारा या फिर कंट्री का अगर हम इलिटरेट रह जाते हैं तो। इन इंडिया लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टिल इलिटरेट, इन इंडिया भारत में बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल है, बहुत सारा संख्या ऐसा है जबकि पीपल इलिटरेट है। इवन उनको साइन करने का भी नॉलेज नहीं है कि कैसे सिग्नेचर होता है, वो थंब प्रिंट का यूज करते हैं फॉर देयर। तो उनसे कोई भी कुछ भी करवा सकता है अगर उनके पास अवेलेबल है वो चीज, तो उनसे कोई भी कुछ भी करवा सकता है क्योंकि वो इलिटरेट है, उनको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। दिस इज द रीजन, मेन रीजन फॉर इंडिया पॉवर्टी, और इंडिया की गरीबी का ये मेन रीजन है क्योंकि यहाँ पे लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं चलेगा, वो यूज नहीं कर पाएंगे अपना राइट्स। जैसे उनका लाइफ चल रहा है वैसे ही वो अपनी लाइफ को क्या करेंगे, गुजारेंगे, अपना लाइफ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो लिटरेसी, साक्षरता बहुत ज़्यादा जरूरी है, पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए सबको, ये तो सबका राइट्स है। द लिटरेसी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द स्लोगन, लिटरेसी जो प्रोग्राम है, जो साक्षरता अभियान चलाया जाता है उसका एक फेमस स्लोगन है, ईच वन टीच वन, हर एक को एक को पढ़ाओ, हर एक को पढ़ाओ, लेकिन हर आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए। ईच वन, हर एक, ईच वन मतलब हर एक, और टीच वन सबको पढ़ाओ, और हर एक आदमी क्या होना चाहिए, इवन उसको इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि वो अपना सिग्नेचर कर सके और किसी चीज़ को पढ़ सके। जो एक स्लोगन ही स्टेप बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है, प्रमोट करता है एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमारे समाज में। ओके, सो आज के क्लास में ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। आपको करना है आज क्वेश्चन नंबर बी, टीच वन जो अभी बुक में भी दिया हुआ है। ओके, सो आप नोट डाउन कर लीजिए।